तो पृथ्वी से किसी एस्टेरॉयड के टकराने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसका मुख्य कारण यह होता है कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी आकाशीय पिंड हैं उनका एक निश्चित पाथ है। अगर किसी दूसरे सोलर सिस्टम से कोई सेलेस्टियल बॉडीज आती हैं तो वो हमारे सौर मंडल के ग्रहों से टकरा सकती है। हालांकि हमारी पृथ्वी का आकार इतना छोटा है कि अदर सोलर सिस्टम से आने वाले बॉडीज का इससे टकराना इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से वाकई टकरा जाता है तो क्या हो? अगर कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है तो डस्ट स्मोक का इतना बड़ा गुब्बारा छा जाता है प्लेनेट के चारों तरफ कि सनलाइट का आना एकदम मुश्किल हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, टेम्परेचर ड्रॉप इतनी तेजी से होता है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जीवन है वो खतरे में पड़ जाता है।